दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद जश्न मनाते हुए धोनी ने न केवल भारतीय टीम की जमकर तारीफ की बल्कि अब तो पाकिस्तान की हार के एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच ऐसे कारण बताए जिन्हें सुनकर तो शायद पाकिस्तानी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर धोनी का बयान क्यों सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल? धोनी ने क्या बताया पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ी वजह? कैसे टीम इंडिया की नामुमकिन जीत देखकर खुशी से झूम उठे धोनी? उनका ये दिल जीत लेने वाला बयान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और धोनी में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, डर्बन से लेकर मेलबर्न और अब क्रिकेट के सबसे नए वेन्यू न्यूयॉर्क में भी टीम इंडिया के आगे पाकिस्तान नहीं टिक पाया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया का अगले दौर में पहुंचना लगभग पक्का हो गया। जबकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए सिर्फ 119 रन बनाए थे, लेकिन टीम इंडिया की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान से ये रन भी नहीं बन पाए और उसे लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, भारत की तरफ से सबसे अधिक रन ऋषभ पंत ने 42 रनों की पारी खेलकर टीम को यहाँ तक पहुँचाया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही, जहां ओपनिंग जोड़ी बहुत जल्द टूट गई। बाबर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रिजवान टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर एक तरफ से उनके साथ कोई बल्लेबाज नहीं दे पाया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मैच में हावी नजर आ रही थी, बड़ी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले मोहम्मद रिजवान को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम की मैच में वापसी कराई और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और बुमराह ने मिलकर मैच को पलट दिया और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में केवल 113 रन 3 विकेट खोकर बना पाई और इस हार के साथ पाकिस्तान का सफर विश्व कप में यहीं समाप्त हो गया। वहीं टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से मानो दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। हर किसी के चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई दे रही थी। वहीं भारतीय टीम के पूर्व महानतम खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी टीम की जीत से काफी खुश थे और फिर सभी खिलाड़ियों के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा कारण बता दिया। तो चलिए अब हम आपको धोनी के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। भारत की जीत देखकर खुशी से झूमते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने बयान दिया और कहा कि वेल डन बॉयज, सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की, टीम को जीत दिलाई। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। ऋषभ पंत ने अकेले टीम को संभाला। सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना योगदान दिया जिसके कारण टीम इंडिया ने कमाल कर दिखाया। मेरे पास तो इस जीत के लिए शब्दों की कमी है। मैं जितनी भी तारीफ करूं खिलाड़ियों की कम है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान ने सबसे बड़ी पहली गलती ये की जिसकी वजह से वो मुकाबला हार गई। पूरी टीम ओवर कॉन्फिडेंट में आ गई थी छोटा लक्ष्य देखकर, जिसके कारण पाकिस्तान ने मैच को गवा दिया। वहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूसरी गलती ये है कि बल्लेबाज मैदान पर टिककर खेल नहीं सके, चौके छक्के लगाने में विकेट खो बैठे। वहीं तीसरी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि खराब फील्डिंग। वहीं चौथा कारण, धोनी ने बताया कि मोहम्मद रिजवान को अंत तक खेलना चाहिए था, वो जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे जिसके कारण पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के हार का सबसे बड़ा कारण बताते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो जसप्रीत बुमराह ने अपने आग उगलती हुई गेंदबाजी से पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया, बने मैन ऑफ द मैच। लेकिन फिर इसका पूरा क्रेडिट उन्होंने रोहित को देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान बुमराह को सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे बुमराह ने पाकिस्तान के जबड़े से छीना मैच, कैसे टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत? जीत के बाद बुमराह ने क्या कुछ दिया दिल जीत लेने वाला बयान? बुमराह का बयान तो हम आपको उनके मुंह से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह में कौन है रियल हीरो? नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिस मुकाबले का टी20 वर्ल्ड कप में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी न्यूयॉर्क के मैदान पर आ ही गई थी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम टॉस के लिए मैदान पर उतरे। बाबर ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं बाबर का यह फैसला उनके पक्ष में रहा, क्योंकि पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारत के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके।
कप्तान रोहित से लेकर विराट कोहली यहां तक कि सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे के साथ साथ हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर पाए, लेकिन टीम को संभालते हुए ऋषभ पंत ने 42 रनों का योगदान दिया, लेकिन पूरी टीम 119 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। बाबर भी अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मोहम्मद रिजवान अकेले मैदान पर टिके हुए थे। भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी 31 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए। जहां टीम इंडिया बड़ी आसानी से इस मुकाबले को गवाती हुई नजर आ रही थी, वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मैच को पलट दिया और देखते ही देखते भारतीय टीम को इस मुकाबले को 6 रनों से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में केवल 113 रन 7 विकेट खोकर बनाए। भारत की तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में केवल 14 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट झटक कर भारत को जीत दिलाई। टीम इंडिया की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में तो मानो दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। वहीं इस मैच के रियल हीरो रहे जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड बुमराह को मिलते ही वो बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने भावुक मन से दिल जीत लेने वाला बयान दिया। उन्होंने इस मैच का पूरा श्रेय रोहित शर्मा को देते हुए बहुत कुछ कहा है। तो चलिए अब हम आपको बुमराह के बयान को सुनाते हैं। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद जसप्रीत बुमराह ने रोहित शर्मा को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान देते हुए कहा कि सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगा कि ये हम डिफेंड कर पाएंगे, मैं काफी नर्वस था। लेकिन तब रोहित भाई मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि केवल तू ही है जो हमें ये मैच जिता सकता है, पूरे देश की इज्जत तेरे हाथों में। उन्होंने मुझे अपने हिसाब से फील्ड सेट करके दी और सच कहूं तो मैं खुश हूं कि मैंने रोहित भाई की बात मानी। उनके जैसा ग्रेट कैप्टन कोई नहीं है। पाकिस्तान को हराने से ग्रेट फीलिंग और कुछ नहीं होती है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं अपने देश को ये जीत दिला पाया हूं, लेकिन ये सब कुछ रोहित भाई के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड का जीतने का मैं हकदार हूं, उतना वो भी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को जीत दिलाने के बाद मैन ऑफ द मैच बनते ही रोहित को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मैच का रियल हीरो कौन है, बुमराह, अर्शदीप, फिर ऋषभ पंत? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की अंतिम जंग गेंद और बल्ले के बीच घमासान में लिखा गया है नया इतिहास। रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में पहले घुटनों पर आया भारत का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम, तो केवल 120 रन डिफेंड करते हुए भी भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा तहलका, पाकिस्तान के खेमे में मचाए है हाहाकार। आखिर इस करो या मरो के मैच में कैसे जसप्रीत बुमराह ने कराई इंडिया की मैच में वापसी, कैसे भारतीय गेंदबाजों ने पलट कर रख दिया मैच का पूरा रुख, कैसे पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वह घड़ी आ गई। कप्तान रोहित शर्मा, बाबर आजम टॉस के लिए मैदान में उतरे तो बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया तो खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के किंग यानी विराट कोहली आए।